करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। हमारे राहुल गांधी जी का सीधा सा फंडा, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बात तो सही है। तो राम राम मेरे प्यारे आई बनो की हाल चाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पेट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। क्या इस क्लिप को देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगा कि राहुल गांधी बॉलिंग करा रहे हैं और हमारे मोटा भाई इस समय बैटिंग कर रहे हैं? क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, जाए चलेनी। अच्छा जी बिहाव, देख लो चमचो ऐसा ही होने वाला है, 4 जून को तैयार रहना। अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? जोर से बोलो, यहाँ से दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी झूठ है, कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है। भाई ये शायद ओरिजिनल वीडियो नहीं, एडिटेड वीडियो है, बट फैक्ट भी यही है। कांग्रेस ने कहा था हम 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे, तो अब जनता का भी फर्ज है कि वो कांग्रेस को चुनाव के बाद ही वोट दे। चाचा की बात सही है कि चुनाव के बाद ही कांग्रेस को वोट देना। पापा इस बार लोकसभा इलेक्शन में ना कांग्रेस को वोट करूंगा मैं। हाँ पप्पू को ही करेगा, और किसको कर सकता है। नहीं सीरियसली सच में कांग्रेस को ही करूंगा, ये वाला जायदाद से ना ये बाहर कर दूंगा। देखो और बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, चाहे मोदी जी के जैसा बने, बट पप्पू के जैसा कभी भी ना बने। आप मुझे ये बताओ कि इंडियन टीम में सबसे फास्ट बॉलर कौन है? फास्ट बॉलर? हाँ मोदी जी। इसमें गलती इस बहन की नहीं है, मोदी जी का नाम इतना चल रहा है कि हर जगह मोदी जी ही दिखाई दे रहे हैं। नौ साल में देश पीछे ही गया, साथ वाले देश देख लो, सिंगापुर, चाइना, ये सब आगे तरक्की कर रहे हैं, अपने ही देश है जो पीछे जा रहा है। बड़ा हो रहा है ये पहले कांग्रेस की राज में बच्चा था, और मुख्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो थोड़ा सा ये जवान हुआ है, अभी ज्ञान कच्चा है इस पे। 2014 से पहले मेरे को लगता है जैगवार में या रफेल में घूमता था, ओडी में घूमता था। अब मोदी जी योगी जी आए, बेचारा बेरोजगार हो गया, बाइक भी नहीं इसके पास, ये बस में धक्के खा रहा मेट्रो में। मेरे लाल तू तो देखने में पढ़ा लिखा लग रहा है, पढ़ते पढ़ते तेरे चश्मा भी लग चुका है, उसके बावजूद भी ऐसी बेतुके बातें शोभा नहीं देती हैं। चमचो के अकॉर्डिंग जब से मोदी जी की सरकार आई हमारा देश निरंतर पीछे ही चलता चला जा रहा है। पहले 5G था, मोदी सरकार के आने के बाद 3G, 2G, फिर 2G भी चला जाएगा। वैसे तो इन चमचों को समझाने का कोई फायदा नहीं, बट उसके बावजूद भी मैं समझाना चाहूंगा, और आप लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट ने जो कहा है वो किया है। अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट का 2019 का मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी उनमें से आज लगभग सभी बातें पूरी हो चुकी हैं, जिसका मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल दे देता हूं। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी चुनकर दोबारा से सत्ता में आती वो देश को 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बना देंगे। 2014 में जब हमारे देश में मोदी जी की सरकार आई थी उस समय हमारा देश वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, बट आज के समय हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और यदि हमारा देश पिछले 9-10 सालों में लगातार पीछे जा रहा है तो हमारा देश अन्य देशों की सहायता कैसे कर पा रहा है? आपको याद होगा जब 2023 में फरवरी में टर्की व सीरिया में बहुत ही भयानक भूकंप आया था जिसमें न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान गई थी, तो सबसे पहले हमारे देश ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की को 5,945 टन आपातकालीन सामग्री भेजी थी। भूकंप के बाद जिस तरीके से भारत की ओर से सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया गया था उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की ओर से संकट के समय में जिस तरह की सहायता की गई थी ऐसा विकसित देश ही करते हैं। और आपको याद ही होगा कि जिस समय इस पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा था, ये महामारी फैली हुई थी, उस समय हमारे ही देश ने मोदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक देशों को 30 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति करवाई थी। ये एक हमारा ही देश था जो इस आपदा के समय में अपने देश के नागरिकों के लिए फ्री वैक्सीन मुहैया करा रहा था, व इसके साथ ही साथ अन्य देशों को भी वैक्सीन बांट रहा था, और बाकी के देश तो अपनी ही आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे। कोविड-19 के दौरान मोदी जी की नेशन फर्स्ट फॉरजन पॉलिसी थी जिसके तहत 1.83 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की घर वापसी हो पाई, और ये मैं टोपी वालों की घर वापसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश से बाहर पढ़ने के लिए गए थे, रोजगार के लिए गए थे या व्यापार के लिए गए थे। और जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था उस समय 22,500 से भी ज्यादा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के युद्ध
प्रभावित क्षेत्रों से वापस लाया गया था। यहाँ तक कि आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा कि पाकिस्तान के नागरिक भी हमारे देश का झंडा अपने सीने से लगाकर सुरक्षित वापस निकल पा रहे थे। आज के समय में यह हमारे देश के तिरंगे की पावर। 2023 में सूडान सेना भारत सैनिक बलों के बीच आपस में संघर्ष चल रहा था। तब उस संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और इस ऑपरेशन कावेरी के तहत 4000 से भी ज्यादा भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकाला गया था। आज मोदी सरकार में उनकी नीतियों की वजह से, उनकी योजनाओं की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। हमारे देश की पैठ हर जगह बनती जा रही है। आपके आदि हुआ जिस समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे देश में जगह जगह पर आतंकी हमले होते रहते थे। अक्सर ये न्यूज मिलती रहती थी कि आज यहाँ ब्लास्ट हुआ, आज वहाँ ब्लास्ट हुआ, आज इस ब्लास्ट में इतने नागरिक मारे गए। यहाँ तक कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, कांग्रेस ने आतंकवादियों को पकड़ने की जगह पर हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। वो तो भला हो वीरगति को प्राप्त तुकाराम जी का, जिनकी वजह से एक आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ पाए थे, वरना ये कांग्रेस आज हिंदुओं के माथे पर हिंदू आतंकवाद का धब्बा लगा चुकी होती। बट आज मोदी गवर्नमेंट में सीमा पार बैठे जिहादी व आतंकवादियों को रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आज हमारे देश की सेना घर में घुसकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी व जिहादियों को मार के आती और पाकिस्तान चूं तक नहीं कर पाता। आपको याद ही होगा कि जो लोग कहते थे यार कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 मोदी सरकार ने हटा दी, खून की नदियां तो दूर की बात रही, एक बूंद तक नहीं बही। एक समय ऐसा भी था कि जब हमारे ही देश में जगह जगह पर वामपंथी उग्रवाद व नक्सलवादियों का कब्जा हुआ करता था। आए दिन अक्सर हम लोग न्यूज में ये सुनते रहते थे कि नक्सलियों ने आम नागरिकों को मार दिया और ये एक आम सी न्यूज बनकर रह जाती थी। बट 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 76% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 2010 में 1005 से घटकर 2022 में 98 हो गई और हमारे देश के जो जिले सबसे प्रभावित थे उनकी संख्या घटकर 90 से सिर्फ 45 हो गई है और आने वाले समय में ये 45 भी खत्म हो जाएगी। आज हमारे पूरे देश में शांति का माहौल है। आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे माफियाओं का गुंडों का राज हुआ करता था। बट आज के समय में योगी व मोदी जी की वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही कानून व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है। बट आज जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ हमें इस तरह की छुटपुट घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। बट एक हद तक केंद्र में मोदी जी की सरकार होने की वजह से ऐसी घटनाओं पर भी काफी लगाम लगी है, क्योंकि आज बीजेपी के लिए मोदी जी के लिए देश सर्वप्रथम आता है, बाकी की पार्टियों के लिए उनकी पार्टी सर्वप्रथम आती है, उसके बाद उनके नेता आते हैं, फिर कहीं जाकर देश आता है। आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट दुगना, तीन गुना या चौगुना नहीं बल्कि 31 गुना बढ़ चुका है और हमारे देश ने अब तक का सबसे अधिक 776 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है। और आज मोदी जी की स्पष्ट नीतियों की वजह से, योजनाओं की वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, न कि पीछे। बट अफसोस की बात, चमचों को मोदी विरोधियों को देश आगे बढ़ता हुआ तब नजर आएगा जब उनका एक खानदान आगे बढ़ेगा, क्योंकि चमचे बेचारे कई सदियों से एक ही परिवार की गुलामी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन चमचों को वही एक परिवार ही पूरा देश लगता है। असल मायनों में बेचारे चमचों से आज ये दुख सहन नहीं हो रहा है कि आज उनकी राजमाता पार्टी के लिए चंदा मांगती हुई नजर आ रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी व सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश में, जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए और गर्व होता भी है सिवाय चमचों को छोड़कर, बट बेचारे चमचे यहाँ पर भी अपना रोना धोना रोते रहते हैं कि इससे क्या ही होगा, इससे अच्छा कोई अच्छा सा स्कूल व कॉलेज बना देते या कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बनवा देते। बेचारे चमचों के पास कुछ ज्यादा लॉजिक तो बचे ही नहीं है, तो बेचारे बच्चा को चाहिए हर जगह कॉलेज व यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल का लॉजिक दे देते हैं। अगर आपको कहीं घूमने जाना होगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे या स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे या किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी व सबसे ऊंची प्रतिमा होने की वजह से सिर्फ देश से ही नहीं, न जाने विदेशों से भी कितने लोग उसे देखने आते हैं, वहाँ घूमने आते हैं, और इससे वहाँ न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है। बट हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, उन्हें आप कोई भी अच्छी चीज दे दो, कोई भी अच्छी चीज दिखा दो, वो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा देश सच में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे तो आप लोगों को वोट देने जाना होगा। ये मत सोचिएगा कि आपके एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। हमारा जो इलेक्शन है इसमें भी हमको यही सोच कर हिस्सा लेना है कि हमको जाहिलियत के जुल्म सितम को कम करना है और धीरे धीरे खत्म करना है। कहिए इंशाल्लाह। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, याद रखना, हर मुसलमान वोट देने वाले लड़के और लड़की नौजवान वोटर का वोट पड़ना चाहिए। एक भी वोट ऐसा नहीं होना चाहिए जो न पड़े, एक भी वोट न पड़े, याद रखना। अगर आप हर अमल नियत के हिसाब से होता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कोई वोट डालता है किसी और नियत से, आप वोट डालें इस नियत से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वोट के जरिए मेरे मुल्क के अंदर जुल्म कम हो, मेरे मुल्क के अंदर इज्जतें कम लूटी जाएं, मेरे मुल्क के अंदर बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसना बंद हो। आपका एक वोट बहुत कुछ करा सकता है। काहली सुस्ती मत कीजिएगा। वोट है वो, इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के एतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के एतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो
कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और इंशाल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मुल्क मुजद्दिद फैसानी का है, ये मुल्क शाह वलीउल्लाह का है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है, ये मुल्क हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है, ये मुल्क अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का है। इन्हें पता है कि असली ताकत क्या है, आपके एक वोट की ताकत क्या है, किसको सत्ता में बैठाना है, किसको सत्ता से हटाना है, ये आपके एक वोट पर ही निर्भर करता है। तो फिर आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आपका वोट देना क्यों और कितना जरूरी है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल की इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, आपको पूरा आनंद आने वाला है। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।